A very, very gracious welcome to the enlightened youth of this country. मैं अनम अहमद from the platform of Pencil Box Education. आप सभी का स्वागत करती हूँ The Hindu Newspaper Analysis में. आज है 5th October 2018. So what are we waiting for? Here we go. So I have some background information about me. कहाँ को आती हूँ, कहाँ को जाती हूँ. So you can like give it a check. This will remain the pattern of our discussion, starting with an amazing, inspiring quote and ending on a map practice question. तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के ऊपर. ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे कैच वर्ड्स, ऐसे फ्रेजेस जो आपको आपके लाइफ में इंटीग्रेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज अगर आप ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस अपने दिमाग में रिपीटेडली बार बार याद करेंगे, उसका जाप करेंगे और बार बार अपने आप को याद दिलाते रहेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव घटनाएं होने लगेंगी और आप पॉजिटिव डिसीजंस भी लेने लगेंगे एंड पॉजिटिव फील भी करने लगेंगे. तो लिव अ वेरी सिंपल लाइफ, ऑलवेज हैव अ वेरी सिंपल लाइफ, ऑलवेज हैव सिंपल रूल्स, सिंपल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, सिंपल गाइडलाइंस, सिंपल एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज. कभी भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में नहीं रहना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, यू आर थिंकिंग समथिंग एल्स इन माइंड, बट आपका बिहेवियर कहीं और जा रहा है. आपकी थिंकिंग की दिशा इस साइड है कि मुझे ये काम इतना ऐसे ऐसे पसंद है और ऐसे करना चाहिए, बट आपका जो बिहेवियर है इसके एकदम ऑपोजिट में जा रहा है. तो इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आप अपने दिमाग में कुछ रख रहे हैं, बिहेवियर में कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ऑलवेज कीप द थिंग्स जो भी आपकी लाइफ में हो रही हैं, इट हैज़ टू बी वेरी सिंपल. एक सिंपलर इंस्ट्रक्शन देना ब्रेन को इट इज़ द बेस्ट थिंग that you can do. क्योंकि देन ओनली ब्रेन है, आपका माइंड है, वो पीस में रह करके रैशनली हर एक चीज़ समझ पाएगा, नाप तौल के सारे डिसीजंस भी ले पाएगा. एंड यू ऑल्सो हैव टू ड्रीम बिग. छोटे ड्रीम रखना एक क्राइम है. देखिए, जब आप एक बड़ा ड्रीम रखेंगे, बड़ा सोच रखेंगे, तब जाके आपके उससे निकल करके एक छोटा सा पीस आपको लाइफ में कुछ मिलेगा. अगर आप अंबानी, बिल गेट्स जैसी पर्सनालिटीज बनने का सोचेंगे, तब आप जाके कुछ लाख, दो लाख रुपए कमा पाएंगे. इट इज़ लाइक यू हैव टू ड्रीम बिग, यू हैव टू कीप योर एम्स एंड एस्पिरेशंस बिग, तब जाके उसका 10% जाकर के आप लाइफ में हासिल कर पाएंगे. तो छोटे सपने देखना या छोटी उम्मीदें रखना इज़ अ क्राइम. और बी ग्रेटफुल टू गॉड, बी ग्रेटफुल टू योर सेल्फ, बी ग्रेटफुल टू पीपल जिन्होंने आपको हमेशा सपोर्ट करा, लव करा, अफेक्शन दिया. ऑलवेज गिव लव, जैसे मैं कहती हूँ, बी हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, स्प्रेड लव. ये तीन चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं लाइफ में. एंड ऑल्सो लाफ अ लॉट. आई मीन, ह्यूमर हैज़ इट्स ओन रोल टू प्ले इन लाइफ. हमेशा फनी अप्रोच रखना चाहिए, थिंकिंग रखना चाहिए, और सेंस ऑफ ह्यूमर तो मुझे लगता है इंसान का सबसे अच्छा होना चाहिए. एंड दैट्स वेर इन यू कैन लाइक अट्रैक्ट मोर पीपल अराउंड यू एज वेल. एंड दिस इज हाउ यू गोइंग टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम अस. लाइक आवर फेसबुक पेज सो दैट यू स्टे अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी. यहाँ पर मैं डेली कोट्स वगैरह पोस्ट करती रहती हूँ, PDF पोस्ट करती रहती हूँ. इन फ्यूचर अ लॉट ऑफ अनाउंसमेंट्स और लॉट ऑफ लिंक्स. आई विल बी यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म वेरी इफेक्टिवली. एंड ऑल्सो आई वुड वॉन्ट यू टू राइट रिव्यूज हियर. जैसे आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे प्रेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, या फिर कोई सजेशन देते हैं, तो आप मुझे रिव्यू भी कर सकते हैं हमारे पूरे के पूरे एनालिसिस को एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग. बिकॉज दिस इज एक्चुअली अ बेस, दिस इज एक्चुअली दैट कॉलम वेर इन न्यू पीपल हु कैन लाइक कम घूमते फिरते आएंगे, देन दे कैन रियली रिव्यू योर वर्ड्स एंड ऑल दैट. एंड दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप दैट यू आर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन वेरी वेरी सून सो दैट यू कैन लाइक लाभ उठा सकते हैं PDF लिंक्स वगैरह का. सो दैट्स व्हाट इट इज. तो कपल ऑफ एडिटोरियल्स दैट यू हैव. यहाँ पर MSP डिक्लेयर कर दिया है राबी क्रॉप्स के लिए, क्योंकि राबी क्रॉप्स को जो है सो करने का टाइम आ गया है. नवंबर में वो उगाई जाती हैं, अप्रैल में फिर उसको जो है उसका हार्वेस्ट पीरियड होता है. तो वी विल बी फोकसिंग फ्यू पॉइंट्स आउट ऑफ दैट आर्टिकल. यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी जो है, मायावती के जो पार्टी है, वो उसने कांग्रेस को अलाय करने से मना कर दिया है, कांग्रेस से जो है नाता जोड़ने से मना कर दिया है इन मध्य प्रदेश पोल्स जो कि आने वाले हैं अभी. तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्टिकल है, तो दिस इज नॉट समथिंग विच वी शुड बी फोकसिंग अपॉन. दिस आर्टिकल इज अगेन वेरी मच फिलोसफिकल. मतलब जब मैं इसको पढ़ रही थी, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, सो डीप मीनिंग टॉक्स द पर्सन इज डूइंग. तो उसमें से मैं कुछ हैंडी वर्ड्स जो कि आप मेन्स आंसर राइटिंग में
यूज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डिसेंट. डिसेंट मतलब एक मेजोरिटी रूल के अगेंस्ट अपना ओपिनियन देना, जैसे कि 4:1 के रेशियो में सबरीमाला टेम्पल का यू नो वर्डिक्ट आया था कि 4 लोगों ने सहमति दी थी कि बैन हटा देना चाहिए और 1 ने कहा था बैन नहीं हटाना चाहिए था और हमें कोर्ट को इनफैक्ट पहले ही नजर में कोर्ट को ऐसी चीज़ों से यू नो इम्यून रहना चाहिए, ऐसी चीज़ों में इंडल्ज नहीं करना चाहिए. तो दैट 4:1 वाला जो था कि इसमें एक जो है वो इससे सहमत नहीं थी, 4 लोग उससे सहमत है, तो ये हो गया डिसेंटिंग व्यू. मतलब आप सहमत नहीं है मेजॉरिटी व्यू से, तो उसके ऊपर कुछ फिलोसॉफिकल बातें यहाँ पर हो रही है. तो कुछ लाइंस जो आपके आंसर राइटिंग के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी उस पर हम फोकस करेंगे. यहाँ पर गिर फॉरेस्ट से कुछ आंकड़े आ रहे हैं कि यहाँ पर 22 लाइंस उन्होंने अपनी लाइफ जो है गंवा दी क्योंकि किसी इन्फेक्शन का शिकार हो गया, किसी बैक्टीरिया के यू नो डिजीज का कोई शिकार हो गया, या फिर इनके टूथ में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उसकी वजह से यहाँ पर कुछ जरूरी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे. आज है फ्राइडे, फ्राइडे को आता है कोई चर्चा का मुद्दा. यहाँ पर चर्चा का मुद्दा आज रफेल है. चलिए कोई रफेल की स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे होते, रफेल एयरक्राफ्ट की बात कर रहे होते, फाइटर जेट की बात कर रहे होते, तो हम थोड़ा डिस्कस भी करते जो कि हमारे जिससे हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं. बट यहाँ पर कांग्रेस वर्सेज बीजेपी हो रहा है, यहाँ पर यूपीए वर्सेज एनडीए हो रहा है कि जब यूपीए गवर्नमेंट थी तब उन्होंने रफेल डील काफ़ी कम पैसों में फाइनलाइज करी थी, एनडीए आई तो उसको डबल से ट्रिपल अमाउंट में फाइनलाइज करी. यहाँ पर एक वर्ड और यूज़ करा जाता है क्रोनी कैपिटलिज्म करके, तो दैट इज़ वर्ड यू हैव टू थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, एटलीस्ट इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ना इंप्रेशन जमाने वाले पॉइंट्स हमें जहाँ मिले मोती की तरह उठा करके हमें अपने बक्से में रख लेना चाहिए. क्रोनी कैपिटलिज्म इज़ अ फिनोमेना जहाँ पर एक बिजनेस सेटअप या बिजनेस इंस्टीट्यूशन या फिर बहुत बड़ा बिजनेस कारोबार जो है वो उसको सपोर्ट करा जा रहा है किसी पॉलिटिकल बैकिंग से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से, उनके जैसे मैंने कोई रूल बना दिया या मैंने कोई पावर दे दी उस बिजनेस सेटअप को ताकि वो फ्लरिश कर पाए, फिर वो पैसे कमा पाए और फिर वो इनडायरेक्टली हमारे इलेक्शन में फंड कर पाए, हमारे पॉलिटिकल पार्टी में दान कर पाए. तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही है बिजनेस इंटरेस्ट को, बिजनेस इंटरेस्ट सपोर्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी को ताकि वो कंट्री में सस्टेन कर पाए, बिकॉज पैसे के साथ ही सब कुछ हो सकता है पॉसिबल. सो दैट्स व्हाट क्रोनी कैपिटलिज्म इज, व्हेन यू आर एक्चुअली मेकिंग प्लान्स, प्रोपेगेंडा पॉलिसीज टू ओनली बेनिफिट फ्यू बिजनेसमैन एंड देयर इंटरेस्ट इन द इकोनॉमी, तो उसको कहते हैं हम क्रोनी कैपिटलिज्म. यहां पर इस आर्टिकल जो छोटू मोटू आर्टिकल साइड में, दिस इज टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ इंडिया हुज विच वी हैव द लाइक लीड रोल दैट वी प्ले इन द डेवलपिंग इकोनॉमीज ऑफ एशिया. तो चाइना और इंडिया में अगर चॉइस दी जाए तो बहुत सारी कंट्रीज आज इंडिया की तरफ खड़ी होती हुई नजर आती है, बिकॉज चाइना का थोड़ा सा अग्रेसिव रोल प्ले होता है इन एंटायर एशिया रीजन. सो वी विल बी फोकसिंग फ्यू पॉइंट्स आउट ऑफ दैट आर्टिकल एज वेल. डेटा पॉइंट में भी आज कुछ इंपॉर्टेंट डेटा ग्राफ है, तो वी विल बी फोकसिंग अपॉन दैट एज वेल. तो चलिए शुभारंभ करते हैं अपने इस खूबसूरत दिन की शुरुआत का अपने पहले आर्टिकल से. फील्ड्स ऑफ कंसर्न, मतलब यहां पर बात हो रही है अभी जो लेटेस्ट एमएसपी प्राइस जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस करी. गवर्नमेंट ये प्राइस जो है अनाउंस करती है फॉर द सोइंग पीरियड, जब किसान जो है अपने खेत में बीज लगाएगा, उसको सबसे पहला स्टेप लेगा अपने खेत अपनी लैंड में, उस कोई भी बीज लगाने से पहले जो सबसे पहला स्टेप लेगा उसके पहले ही जो है गवर्नमेंट ऐसी प्रोक्योरमेंट प्राइस या फिर आपके लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर कर देती है ताकि वो फार्मर्स को इंसेंटिव दे सके कि वो इस चीज़ को और प्रोड्यूस करें. क्योंकि फार्मर्स पहले फॉर एग्जाम्पल पिछले साल उन्होंने जो है रबी का कोई क्रॉप उगाया, जैसे सरसों उगाया, ठीक है, सनफ्लावर उगाया, उसके बाद उगाने के बाद उनको पता चला मार्केट में इसका प्राइस इतना गिर गया, तो जितना मैंने इनपुट लगाया था अपना कॉस्ट लगाया था मुझे तो उतना ही वापसी नहीं हुई. मेहनत का कॉस्ट तो छोड़ो, प्रॉफिट का कॉस्ट तो छोड़ो, मेरा तो जो इनपुट कॉस्ट था वो ही निकल के नहीं आया. तो वो क्या करेगा इस साल, वो सनफ्लावर जैसे सीड्स को जो है उगाने के लिए एनकरेज नहीं फील करेगा, उसको लगेगा इससे अच्छा तो मैं कुछ और उगा लूं, जिसकी वजह से सनफ्लावर की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी. तो ऐसी सारी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है अपने साइड से कि फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, फार्मर्स को जो है एनकरेज करने के लिए, फार्मर्स की इनकम भी कहीं ना कहीं डिप ना हो, कम ना हो, उसको भी पूरा का पूरा एक
सपोर्ट करने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसी चीज़ों को अनाउंस करती है बिफोर द सोइंग पीरियड, ताकि फार्मर्स एनकरेज फील करें टू एक्चुअली ग्रो दैट पर्टिकुलर क्रॉप. तो यहाँ पर यहाँ आर्टिकल राइटर ये भी कह रहे हैं, अभी हमने एंग्री फार्मर्स का जो है पूरा का पूरा एजिटेशन देखा ऑन NH24, जो ये लोग मार्च कर रहे थे फ्रॉम द सिटी ऑफ हरिद्वार इन उत्तराखंड टू दिल्ली. ये लोग मार्च कर रहे थे बट उनको दिल्ली के बॉर्डर में, दैट इज़ लाइक ट्रांजिशनरी प्लेस जो नोएडा है विच इज़ लाइक द लास्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, तो वो नोएडा के बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली में घुसने ही वाले थे कि उनको जो है रोक दिया गया था बैरिगेट्स के द्वारा, बॉर्डर सील कर दिया गया था, टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, पानी के जो है यू नो प्रेशर का इस्तेमाल किया गया, लोगों के एजिटेशन को कम कर दिया गया. वेरस फार्मर्स अपनी मंडली जमा के पूरा का पूरा बक्सा लेकर के आए थे, 3-4 दिन उन्होंने आराम से रोड के साइड पर खाना पीना जलाया खाया और जो है कैंप्स में रहे अपना आराम से, यू नो टू जस्ट मेक द गवर्नमेंट अंडर मेक द गवर्नमेंट फील प्रेशर कि देखिए ये सारी चीज़ें आपको इग्नोर नहीं करनी है. तो उसी के बैकग्राउंड में उनको हल्का सा खुश करने के लिए, उनको हल्का सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर MSP जो वो डिक्लेयर करके एक लॉलीपॉप जैसी सिचुएशन उनको दे दी कि दिस इज द लॉलीपॉप, इसको आप जब तक एंजॉय करिए और फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाइए. सो दैट्स व्हाट MSP फॉर्मूला, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये MSP वगैरह प्रोवाइड करने से इसका हल नहीं निकलेगा. आपको जो है मार्केट का पूरा जो डायनामिक्स है उसको समझना पड़ेगा कि क्यों प्राइस गिर रहे हैं. सबसे पहले तो आपको जो फीवर है तो फीवर को दवा दे करके सप्रेस नहीं करना. यहाँ पर हमारे सिर्फ कंट्री में और एग्रीकल्चर में ये क्या हो रहा है कि फीवर है, जैसे कि प्राइस नीचे गिरा दैट इज़ द फीवर, उसको हमने एंटीबायोटिक्स दे दे के दबा दिया. ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या हो गई MSP, बट फीवर क्यों आ रहा है हमें उसका रूट कॉज, मे बी इट इज़ द अनहाइजीनिक एनवायरमेंट, मे बी इट इज़ योर डिक्रीज्ड इम्यूनिटी, और मे बी इट इज़ सम अदर फैक्टर विच यू रियली नीड टू फोकस अपॉन, ताकि फीवर फ्यूचर में ना हो. ऐसा अब देखिए फीवर आया, आपने एंटीबायोटिक्स देकर उसको दबा दिया, तो फीवर तो आगे भी आ सकता है ना, क्योंकि आप उसके रूट कॉज को हैंडल नहीं कर रहे, टैकल नहीं कर रहे, जो है टारगेट नहीं कर रहे. तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का जो प्राइसेस का प्रॉब्लम है, मार्केट डायनेमिक्स है, मार्केट फोर्सेस है, उसको आपको जो है केटर करना चाहिए, उसको आपको टारगेट करके चलना चाहिए, ताकि आपको MSP जैसी चीज़ों का यूज़ ही ना करना पड़े. क्योंकि MSP इज ऑल्सो समथिंग जो कि हमारे बजट में, हमारे रेवेन्यू में, हमारे फिजिकल डेफिसिट में एक बहुत ही यू नो सेंट्रल रोल प्ले करता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड रेवेन्यू है. तो जो भी रेवेन्यू आता है आधी सब्सिडीज़ में हो गया, MSP वगैरह प्रोवाइड करने में हो गया, तो हमारे भी तो खर्चे बहुत है ना उसमें, ये भी एक ऐड ऑन हो जाता है. तो हमेशा यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल. दैट्स व्हाट द दरखास्त हैज़ बीन मेड टू द गवर्नमेंट सो फार, कि देखो शॉर्ट टर्म आपको नहीं सोचना चाहिए कि अभी हार्वेस्ट का सीज़न आ रहा है, सोइंग सीज़न आ रहा है, तो अभी MSP करके फार्मर्स को चुप करा देते हैं, सप्रेस करा देते हैं, वो खुशी खुशी फील्ड पर जा करके एग्रीकल्चर कर देंगे. बट जो इसके बैकग्राउंड में जितनी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं, आपको उसको हैंडल कर लेंगे, अगर एक बार बैठ करके सोच करके हैंडल कर लेंगे, तो आपको MSP जैसी चीज़ों का यूज नहीं करना पड़ेगा. तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन, जबकि हम राबी और खारीफ की बात करें, क्योंकि अभी पिछले ही कुछ टाइम पर खारीफ क्रॉप पे भी जो है MSP डिक्लेयर करा गया था, जब उसका सोइंग पीरियड था इन द मंथ ऑफ जून, तो अभी यहाँ पर राबी क्रॉप का सोइंग पीरियड आ गया इन द मंथ ऑफ नवंबर. तो ये थोड़ा सा चार्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए. हमारे यहाँ 3 ब्रॉड जो है क्रॉपिंग सीजन हमारी कंट्री में होता है. एक तो होता है खारिफ या फिर खरीफ क्रॉप, जिसको हम कहते हैं मानसून क्रॉप्स, ये उगाई जाती हैं जून में, हार्वेस्ट की जाती हैं अक्टूबर में, जिसमें ऐसी क्रॉप्स उगाई जाती है जिसमें पानी का बहुत ज़्यादा यू नो इस्तेमाल होता है, पानी का बहुत ज़्यादा इसको यू नो रिक्वायरमेंट होता है. जैसे कि राइस में बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, अराउंड 200 सेंटीमीटर रेनफॉल राइस को चाहिए होती है. मेज हो गया, कॉटन हो गया, कॉटन में वी हैव लाइक मॉइस्ट सॉइल चाहिए होती है इनको, ब्लैक सॉइल चाहिए होती है जिसको हम रेगर सॉइल भी कहते हैं, उनको मॉइस्चर चाहिए होता है. ग्राउंड नट्स हो गए, आप इसमें और भी क्रॉप्स ऐड कर सकते हैं फ्रॉम ज्योग्राफी NCERT क्लास 10th में. ये बहुत अच्छे से टेबल्ड चार्ट्स बना करके और एक जो एग्रीकल्चर करके जो चैप्टर है, इवन इन क्लास 12th में ही आपको ये चैप्टर्स मिल जाएंगे एग्रीकल्चर करके, तो आप उसमें से उसको यू नो इसको एडिट कर सकते हैं. जैद सीजन जिसको समर क्रॉप्स कहते हैं, मार्च में उगाई जाती है और हार्वेस्ट जून में करी जाती है. तो मार्च में जाके जब जून में हार्वेस्ट हो जाती है, फिर जून में हम खरीफ क्रॉप लगा देते हैं. तो पहले अगर हम देखें तो हम पहले सबसे पहले लैंड में, जो साल में सबसे पहला जो लैंड में कोई सीड लगा रहे हैं, तो वो है जैद सीजन की लगा रहे हैं. फिर वो हार्वेस्ट
हार्वेस्ट हो गई जून में, फिर जब लैंड खाली हुआ फिर हमने लगा दिया मॉनसून क्रॉप जून में लगा करके, अक्टूबर में जैसे खाली हुआ तब हमने लगा दी राबी क्रॉप, जैसे नवंबर में हमने लगा दिया फिर उसको अप्रैल में हार्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर क्रॉप्स और एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के बारे में कुछ डेटा अगर आपको एडिट करना चाहिए तो वो उनकी टाइमिंग्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कब उगाई जाती हैं कब उसको हार्वेस्ट करा जाता है, रेनफॉल कितनी रिक्वायरमेंट होती है, टेम्परेचर और मॉइस्चर कितना रिक्वायरमेंट होता है, सॉइल टाइप क्या इसमें ज़रूरी होती है, प्लस एरियाज अंडर कल्टिवेशन, जैसे कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सनफ्लावर, मिलेट्स, तो आपको स्टेट्स का थोड़ा सा यू नो एरिया पता होना चाहिए। तो ये आप अगेन ज्योग्राफी क्लास 10th और ज्योग्राफी क्लास 12th के एनसीईआरटी से इसको एडिट कर सकते हैं, प्लस एग्जाम्पल्स अंडर खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप, एक आप लिस्ट बना सकते हैं इफेक्टिवली, और ये ज्योग्राफी में भी आपको काम आएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर से आप समझ लीजिए प्रिलिम्स में, चाहे वो स्टेट सर्विसेज हो चाहे वो कोई भी सर्विस हो, इवन एसएससी हो, तो आप 2 से 3 प्रश्न, चाहे वो करंट अफेयर रिलेटेड हो या फिर ऐसा स्टैटिक रिलेटेड हो, वो एग्रीकल्चरल स्फेयर से आता ही आता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रियली फोकस अपॉन। तो एमएसपी अगेन यहाँ पर सबसे पहले 1966 to 67 में इसको यूज़ करा गया था, हमने सबसे पहली एमएसपी वीट को सेफ गार्ड करने के लिए करी थी, और एमएसपी एक ऐसा प्राइस है एट विच गवर्नमेंट परचेसेस द क्रॉप्स फ्रॉम द फार्मर्स, चाहे कुछ भी प्राइस हो उसका मार्केट में हमें नहीं पता, बट हम ऐसा एक सेफ गार्ड प्राइस हम उनको डिक्लेयर कर देते कि देखिए अगर मार्केट प्राइस इससे नीचे जाता है तो हम हैं, हम आपसे वो क्रॉप्स खरीद लेंगे और आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि दिस इज ऑल्सो इन द बैकग्राउंड ऑफ द प्रोपोगेंडा, द पॉलिसी, द एजेंडा विच द गवर्नमेंट हैज़ कि वो फार्मर इनकम बाई 2022 तक डबल कर देगी। तो ऑफकोर्स ऐसे जब आपने प्रोमिसज करे हैं तो आपको जो है उसको निभाना भी पड़ेगा। तो रैशनल बिहाइंड एमएसपी इज अगेन टू यू नो प्रोवाइड एन इंसेंटिव टू द फार्मर्स, ताकि अगर कभी बम्पर हार्वेस्ट हो जाती है, जैसे कि एक साल में बहुत ज़्यादा सनफ्लावर्स पैदा हो गए, तो जब बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाता है, सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, तो उसका प्राइस डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल बहुत सारे नंबर में हो जाती है, तो उसका प्राइस कम हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ मार्केट में उसके एलिमेंट्स ज़्यादा है, उसका नंबर ज़्यादा है, उसकी क्वान्टिटी ज़्यादा है, और जब भी कुछ ज़्यादा मिले तो उसका जो है इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। तो अपनी नॉर्मल लाइफ में भी ये चीज़ याद रखिएगा कि अपने आप को थोड़े 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 पैकेट्स में प्रेजेंट करिएगा, क्योंकि एकदम से सारा प्यार मोहब्बत अटेंशन आप प्रेजेंट कर देंगे तो उसकी वास्तविकता में मोल, उसका जो है इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा। तो वही सारी बात ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी है कि जब सप्लाई बढ़ जाती है तो उसका प्राइस कम हो जाता है, तो उस प्राइस कम इतना ना हो, इतना ना गिर जाए कि फार्मर्स को नुकसान हो जाए और वो यू नो इंसेंटिव और एनकरेज ना फील करें, तो उसके लिए हम एमएसपी जैसी चीज़ों को यूज़ करते हैं। और एमएसपी कैलकुलेट कैसे की जाती है, तो ये सारे लोगों का ये सलाह मशवरा लेके कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जाके जो है उसको लास्ट में डिक्लेयर कर देती है। तो दैट इज़ द एंटायर थिंग अबाउट एमएसपी जो है कैलकुलेट करने में ना, एमएसपी एस्टिमेट करने का जो पूरा का पूरा तरीका है उसमें भी कहीं ना कहीं विवाद है कि गवर्नमेंट जो वे यूज़ करती है एमएसपी कैलकुलेट करने का, उससे भी फार्मर्स आज के डेट में खुश नहीं है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बैकग्राउंड एनालिसिस क्वेश्चन गिवन एट द एंड, कि आप मुझे बताएंगे कि कौन से 3 तरीके हैं एमएसपी को कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर ये कुछ क्रॉप्स है जिसके तहत एमएसपी प्रोवाइड करा जाता है हमारी कंट्री में, खरीफ क्रॉप ये है, राबी क्रॉप्स ये है, एंड अदर क्रॉप्स ये है, क्योंकि इनका प्रोडक्शन हम जो है सेफगार्ड करना चाहते हैं, इनका प्रोडक्शन हम हमेशा मैनेज करना चाहते हैं, इक्वल करना चाहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ द कंट्री हैं फॉर आर जो है इंटरनल कंजम्पशन एज वेल एज हमारे एक्सपोर्ट पोटेंशियल के लिए भी ये सारी क्रॉप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए हम एमएसपी वगैरह इन पे जो है लगाने का सोचते हैं और गवर्नमेंट लगाने का यू नो फोकस भी करती है। द नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज टॉकिंग अबाउट द होल प्रक्रिया ऑफ डिसेंट, मतलब एक अपना एक काउंटर आर्ग्यूमेंट देना, एक अपनी सहमति, मैं इससे इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ, ऐसी भावनाएं जताना, व्यतीत करना, तो इस पूरे मैकेनिज्म को कहते हैं डिसेंटिंग व्यू। आप मेजॉरिटी व्यू के अगेंस्ट अपना कोई व्यू दे रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी मच डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम रेडिकलाइजेशन। कि देखिए रेडिकल नहीं है ये कि मतलब यू नो मैं ज़बरदस्ती नाक यू नो नक्चड़ी बन के बैठी हुई हूँ, ज़बरदस्ती मैं रेडिकल हो रही हूँ, तो दिस इज़ नॉट समथिंग बींग रेडिकल, बींग नैरो माइंडेड, बल्कि इट इज़ समथिंग लाइक कि आप एक मेजॉरिटी रूल से एक परे होकर के एक पर्सपेक्टिव रख करके कुछ सोच रहे हैं, किसी माइनॉरिटी ग्रुप का भला सोच रहे हैं, तो दैट्स व्हाट इट इज। तो यहां पर दे आर्टिकुलेट
articulate the difference, एक नई सोच, एक नई दिशा देते हैं, plurality की बात करते हैं, sense of diversity की बात करते हैं, truth की बात करते हैं, और majority debate से भी अलग हट के, वही मैं कह रही हूँ, it adds to the fresh perspective, it adds to the fresh blood, it gives the entire concept a पूरा total approach, इसको कहते हैं कि pros भी हमें पता है, इसके cons भी हमें पता है, तो ऐसे dissenting views और values और ऐसे dissenting voice हमारी country में, specially democracy में एक बहुत ही ज़्यादा central role रखता है, because in a democracy, the government is actually chosen from you, आप vote देते हैं, आप उनको समर्थन देते हैं, आप उनको support करते हैं, और आप ही उनको आगे चल के evaluate भी कर रहे हैं, उनकी policies पे scrutinize भी कर रहे हैं, उन्हें उनको जो है positive और negative भी बता रहे हैं, उनकी ground reality भी बता रहे हैं, तो that's what it, you are always becoming a dissenter, and ये एक healthy practice है, जो कि democracy में काफ़ी ज़्यादा use करी जाती है, तो वही बात है कि dissentry versus hegemony, hegemony मतलब एक कंबाइंड व्यू देना, एक पॉपुलर व्यू देना, और डिसेंट्री मतलब उसके थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव में जाकर के बात करना. तो यहाँ पर गांधी जी भी बहुत ज़्यादा डिसेंटिंग आइडियाज़ पे बात कर रहे थे वेन एवर ही वॉज स्क्रूटिनाइजिंग द ब्रिटिश रूल, क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे, हमारी गवर्नमेंट में थे, तो उनको भी अगेंस्ट डिसेंट्री बहुत सारे आइडियाज़ देते हुए नजर आ रहे थे. दैट्स वॉट इट इज़ अबाउट, ट्रस्टीशिप जो है, इट इज़ अबाउट नॉन वायलेंस, इट इज़ अबाउट सेल्फ कंट्रोल, इट इज़ ऑल्सो अबाउट अ लिविंग ऑफ लाइफ विद आश्रम्स एंड ऑल दैट, क्योंकि उन्होंने, गांधी जी ने इन सारी चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करके चला था. तो यहां पर ये सारे जो कुछ सेंटेंसेस है, ये आप जो है यूज कर सकते हैं इन योर मेंस आंसर राइटिंग अबाउट डिसेंट, क्योंकि यहां पर जैसे कि आपको ऐसे में कोई कुछ पूछ लिया गया लॉ के तहत, या फिर ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्रिटिकली इवेल्युएट करिए, तो आप डिसेंट्री मतलब जब आप उसके अगेंस्ट भी कुछ बोलेंगे, तो आप बोल सकते हैं कि डिसेंटिंग व्यू भी हमारी डेमोक्रेसी में इट इज एन अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और ये सारे पॉइंट्स आप रिवाइज करके उसको यूज कर सकते हैं. द नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज टॉकिंग अबाउट द गिर नेशनल फॉरेस्ट, जो कि गिर फॉरेस्ट जो कि वहां पर स्टेट ऑफ गुजरात में प्रेजेंट है हमारे, इन कठियावार प्लेटो या फिर कठियावार रीजन कह सकते हैं, वहां पर ये प्रेजेंट है, एंड ये लास्ट एशियाटिक लायंस इन द वर्ल्ड है. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी जब एक 2013 में भी ऐसा एक जो बात छिड़ी थी कि इनका जो है कंजर्वेशन करना चाहिए, इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो यहां पर बात यही हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरवीन करके इस मैटर में ये जजमेंट दिया था कि आप कूनो सेंचुरी है मध्य प्रदेश में, क्योंकि गुजरात में इनकी हेल्थ अच्छी नहीं रह रही है, मे बी वहां पर एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जिसकी वजह से इन्फेक्शन पैदा हो रहा है, इनकी डेथ हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन उठा करके शिफ्ट कर सकते हैं कूनो सेंचुरी इन मध्य प्रदेश. तो इसको भी गुजरात गवर्नमेंट ने नहीं माना था, स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं माना था, उन्होंने इसको अपने प्राइड के अगेंस्ट ले लिया, क्योंकि ये लायन इनकी प्राइड है, इनके स्टेट का सिंबल है, तो आप समझ लीजिए कि ये हमारे प्राइड के अगेंस्ट हो गया कि हम अपने ही घर के इतने बड़े प्राइड एलिमेंट को उठा करके किसी और स्टेट में रख दे, क्योंकि हमसे उसके जो है देखभाल नहीं हो रही, या हम उसको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो ये हमारी शान के खिलाफ है, हमारी नाक कट जाने वाली बात है. तो उसमें पूरे का पूरा पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होता है, जिसके चक्कर में ये नंबर्स और सफर करते, क्योंकि अभी आपको अपनी पॉलिटिक्स और पार्टी इमेज और ये सब छोड़ करके, अपना गरिमा की पूरी प्राइड इश्यूज छोड़ करके, आपको लाइन के नंबर्स पे फोकस करना चाहिए, इस पूरे चीज से पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये इनकी तादाद कम हो गई, ये एंडेंजर्ड हो गए, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गए और फिर एक्सटिंक्ट हो गए, तब आप क्या करेंगे, तब इनकी पॉपुलेशन लाना एकदम मुश्किल हो जाएगा. तो दे हैव लाइक विटनेस द सीरीज ऑफ डेथ, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ये सारी जो डिजीजेस है ये काफी इन्फेक्शियस है, कोई एनवायरमेंट में ऐसी कोई चीज पैदा हो रही है जिस वजह से इनको इन्फेक्शन हो रहा है, एक पॉइजन फैल रहा है, तो इनके पूरे हेल्थ के लिए और इनके पूरे हैबिटेट के लिए वो चीज अच्छी नहीं है. तो यहां पर गवर्नमेंट को बहुत सीरियस मेजर्स लेने की जरूरत है कि दे हैव टू रिड्यूस द अननेचुरल थ्रेट्स विच आर देयर टू द एनिमल इन द entire setup, even unnatural threats and natural threats, जैसे कि natural threats तो हो गए, जैसे कि environment में कोई elements आ गए, जैसे कि कोई bacteria या कोई invasive species भी होती है ecology में, जिसको हम कहते हैं invasive species. ये एक ऐसी alien species है जो कि दूसरे area से migrate करके आपके area में, आपकी ecological boundary में आई है और वहाँ पर आकर के settle हो गई, जिसकी वजह से उस पूरे area का food cycle disturb हो रहा है, क्योंकि it is affecting the health of a lot of species. फिर वो मरने लगती हैं. तो जैसे कि यहाँ पर हमारे इसको डालने से हमारे कुछ पेड़ पौधे मरने लगे, तो जब पेड़ पौधे मरने लगे तो कैटल जो वहाँ के जो कैटल ब्रीड थी, जो कैटल पॉपुलेशन थी, वो डिक्रीज होने लगी, क्योंकि उनका खाना ही खत्म होने लगा, तो
उनकी पॉपुलेशन खत्म होने लगी, उनकी पॉपुलेशन खत्म होने लगी तो आगे लाइंस की पॉपुलेशन खत्म होने लगी जो उनको खाते थे, तो ऐसे पूरा फूड साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू इन्वेसिव स्पीशीज. तो मे बी ऐसे कुछ इन्वेडिंग स्पीशीज की वजह से इनकी पॉपुलेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है. तो दैट्स वाई ऑलवेज यू हैव टू कंसिडर द रिहैबिलिटेशन वर्क, चाहे वो नेचुरल तरीके से हो या अननेचुरल तरीके से, जैसे कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट हो गया, ये सारे जो मैन मेड मेथड्स की वजह से भी लाइंस और ये सारे एनिमल्स के जो है नंबर्स में एक खलल हो सकता है. तो कॉलोनाइजिंग न्यू हैबिटेट्स आउटसाइड गिर लैंडस्केप शुड बी लाइक कंसिडर्ड, जैसे कि अलार्मिंग नंबर्स आ रहे हैं और हमें उनकी हेल्थ पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए. तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक भी मूव लिया कि बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि थोड़ा सा प्रॉक्सिमिटी में है, यहाँ पर गिर नेशनल पार्क के पास में ही ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यहाँ पर इन लायंस को रखने की बात हो रही है, उनको जो है रिप्रोडक्शन उनका इंक्रीज करने की बात हो रही है, चाहे आर्टिफिशियल या अन या फिर जो है थोड़ा सा नेचुरल तरीके से उनका जो है हम जो है उनका जो उनको हम रिप्रोड्यूस कराएंगे ताकि उनकी पॉपुलेशन फिर से थोड़ी सी स्टेबल हो पाए. तो ये थोड़ा सा गुजरात का मैप है, यहाँ पर आप देखिएगा अरेबियन सी है, ये गल्फ ऑफ खम्बट है, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, ये कच्छ एरिया है, ये रन ऑफ कच्छ है जो कि पाकिस्तान से हम यहाँ पर वो भी, यहाँ पर सर क्रीक करके भी एक रीजन आता है विच इज़ लाइक द बॉर्डर रीजन ऑफ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, काफ़ी मखमैला दलदला रीजन है जहाँ पर पेट्रोलिंग करना भी काफ़ी मुश्किल होता है आर्मी पर्सनल के द्वारा. तो ये कुछ व्हेनेवर अ स्टेट, व्हेनेवर अ कंट्री, व्हेनेवर एन एरिया इज़ इन न्यूज़, तो आप उसको जा करके एटलस में रिवाइज करते रहा करिए, क्योंकि यहीं से उठ करके एमसीक्यूज बनेंगे और फिर आपको लगेगा यार ये कहां से क्वेश्चन आ गया. ठीक है, तो करंट अफेयर से अपनी जीएस को हमेशा इंटीग्रेट करते हुए चलिएगा, मैं भी आपको लेकर के चलूंगी जहां तक पॉसिबल होगा, बाकी आप भी थोड़ा सा कोशिश करिएगा. वंसदा नेशनल पार्क है, यहाँ पर देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है, चाहे वो नर्मदा का जो है यहाँ पर नर्मदा जाकर के यहाँ गिरती है, इट इज़ अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर. फिर यहाँ पर गांधीनगर हो गया, ठीक है, यहाँ पर सबर सरस्वती रिवर हो गया, बानस रिवर हो गई, फिर सबरमती रिवर हो गई यहाँ पर, ठीक है, फिर ये सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स यहाँ पर होगी जो गुजरात को यू नो कट कर रही है. ये ब्लैक बक नेशनल पार्क हो गया यहाँ पर, तो और भी आप नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट यहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आप सर्च करेगा, नेशनल मरीन नेशनल पार्क है यहां पर. तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल डिविजन्स थे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट. यहां पर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फेयर रिजर्व, ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, तो ये थोड़ा सा टेबल मैंने आपके लिए सोचा कि मैं इंक्लूड करूँगी. यहाँ पर नेशनल पार्क इज़ लाइक द हैबिटेट फॉर अ पर्टिकुलर एनिमल स्पीशीज, सेंचुरी में क्या है जनरल स्पीशीज ओरिएंटेड होते हैं, बायोस्फेयर में एकदम इकोसिस्टम ओरिएंटेड होती है. ठीक है, यहाँ पर इनका साइज जो है इतना होता है, यहाँ पर इनका साइज इतना होता है और यहाँ पर इनका साइज इतना होता है. जनरली बायोस्फेयर रिजर्व्स का साइज ज़्यादा होता है, मतलब सबसे ज़्यादा तो इनका होता है, फिर इनका होता है, फिर नेशनल पार्क सा स्मॉलर, क्योंकि वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ को सर्च करते हैं, पर्टिकुलर स्पीशीज़ को इनहैबिटेंट करते हैं और उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं. बाउंड्रीज आर फिक्स्ड बाय लेजिस्लेशन, बाउंड्रीज आर नॉट फिक्स्ड, मतलब सैक्रोसेंट है, मतलब थोड़ी सी लाइक एकदम स्टेटेड बाउंड्री नहीं है कि एकदम स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट है, थोड़ी सी सैक्रोसेंट है, मतलब थोड़ा सा इमर्जिंग बाउंड्री है, यहाँ पर बाउंड्री फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर, तो कुछ ट्रांजिशनरी एरियाज भी होते हैं. बाउंड्रीज आर फिक्स्ड बाय लेजिस्लेशन. फिर यहाँ पर लिमिटेड बायोटिक इंटरफेरेंस है, यहाँ पर बफर जोन, नो बायोटिक इंटरफेरेंस दे, तो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड और मैनेज्ड है. तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको थोड़ा और पता होना चाहिए और भी आप सर्च करके इन सारे पॉइंट ऑफ डिफरेंस को और आप नोट कर सकते हैं. तो जस्ट गिव इट अ रीड, क्योंकि टाइम शॉर्टेज होता है, वीडियो शॉर्ट करने की बहुत सारे कमेंट्स आते, तो आई विल नॉट गो, मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगी, आप बाकी जो है रीड कर सकते हैं. तो ये भी आर्टिकल कल मैंने इसको इंक्लूड करा था कि एशियाटिक गिर लायन को जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटोजोआ इन्फेक्शन या फिर बहुत ज़्यादा जो है कैनाइन इन्फेक्शन से काफ़ी पीड़ित है और करंटली बहुत सारे जो है टाइगर्स के लायंस के मरने की खबर आ चुकी है फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात. द नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ इंडिया विच इट कैन प्ले इन द एशियन डायनेमिक्स सो फार. तो एशिया में एक फ्लक्स क्रिएटेड है, एक टाइप का यू नो पोलराइजेशन सा हो रहा है कि वेदर इफ यू हैव टू चूज चाइना और इंडिया जो कि लीड इमर्जिंग इकोनॉमीज है, डेवलपिंग
नेशंस के एक मॉनिटर हैं, तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे पावर्स जो है इंडिया का साथ देती हुई नज़र आ रही है, इंडिया से जुड़ने में इंटरेस्ट शो कर रही है, क्योंकि चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की वजह से ये बहुत सारे कंट्रीज़ में क्या करते हैं, डेप्ट ट्रैप जैसी सिचुएशन पैदा कर देते हैं, मतलब कंट्री में जा करके बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दे देंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में उनकी हेल्प कर देंगे, ताकि वो अपना वन बेल्ट वन रोड जो कि मॉडर्न सिल्क रूट है कि हम रोड के तहत बहुत सारे कंट्रीज़ को कनेक्ट करते जाएंगे ताकि ट्रेड एंड कॉमर्स से आसानी हो, तो जाकर के उनके कंट्री में रोड्स बनाने लगते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कर रहे हैं, फिर वो कंट्री डेप्ट ट्रैप में आ जाती है, बिकॉज इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट, आपको नियर फ्यूचर में उसको वापस भी करना पड़ेगा वो सारा पैसा इंटरेस्ट के साथ, तो पहले तो आपने उनके कंट्री में हैवी इन्वेस्टमेंट करा दिया, रोड्स बना दिया, अब वो डेप्ट ट्रैप में आ गए, फिर क्या करेगा चाइना, अपने बहुत सारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जाकर के उन कंट्रीज में डंप कर देगा और उनकी जो जो इंटरनल इकोनॉमी है, इंटरनल इंडस्ट्री है, उस पर असर होने लगेगा, वहाँ के जो है बिजनेस ठप हो जाएंगे और चाइनीज बिजनेसेस फ्लरिश कर जाएंगे, तो ये सारी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ इनके जो है जंगल में आ गई हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ इनसे परेशान भी है, तो इंडियन ओशन में भी इनका अग्रेशन बहुत ज़्यादा, साउथ चाइना सी में तो इनका इतना ज़्यादा अग्रेशन है कि वियतनाम और फिलीपींस जैसी कंट्रीज़ तो मतलब कॉन्स्टेंट वॉर में रह रही हैं चाइना के साथ, क्योंकि साउथ चाइना सी में ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटरी, चाहे वो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स हो या फिर डंपिंग ऑफ वेस्ट मटीरियल हो, तो वहाँ पर छोटे 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 आइलैंड्स है, पार्सले आइलैंड इज़ वन ऑफ द आइलैंड्स जो कि साउथ चाइना सी में प्रेजेंट है, तो उस पर बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो ये सारी चीज़ों में वो अपना हक जमाता है कि ये पूरे एरिया पे सिर्फ हमारा हक है, ये मेरा टेरिटोरियल वाटर है, वेयर एज वियतनाम एंड फिलीपींस से दैट कि जो है इंटरनेशनल सी रूल के हिसाब से ये हमारा भी वाटर है, हमारा भी इसमें टेरिटरी आता है और हमें भी इसमें एक्सक्लूसिव राइट्स होने चाहिए। जापान भी कहीं ना कहीं एक लीडिंग इमर्जिंग रोल की तरह यहाँ पर नजर आ रहा है, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली इंडिया से अपने अपने इंडिविजुअली टाइज बेटर करने के लिए बहुत सारे मेजर्स और MOU साइन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि USA और चाइना का आप ट्रेड वॉर आप देख ही रहे हैं, अब ट्रेड और वॉर की वजह से चाइना के गुड्स जो USA जाते थे अब उस पर इम्पोर्ट ड्यूटीज लगने लगी हैं, टैरिफ लगने लगा है, तो वो डिस्करेज फील करेंगे, तब चाइना अपना माल कहाँ बेचेगा, इन्हीं सारी कंट्रीज में फिर बेचेगा, और फिर इसमें फ्लडिंग इतनी हो जाएगी, मेड इन चाइना की इंडिया में ही इतनी फ्लडिंग है कि आपके डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं उनको उनके बिजनेसेस को नुकसान होता है, क्योंकि अब चाइनीज प्रोडक्ट इतने तादाद में सस्ते रेट पे आ जाएंगे, तो वी विल डेफिनेटली बाय चाइनीज प्रोडक्ट्स ओवर योर प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से हमारी खुद की इंडस्ट्री जो हमारी इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज है उस पर असर पड़ता है, तो ये सारे ट्रेड वॉर्स की वजह से भी चाइना जो है अपनी जो है चीज़ें हमारे यहाँ डंप करता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पर अगेन वही चीज़ें रिवाइज हो रही कि साउथ कोरिया के भी प्रेसिडेंट मून आए थे, उन्होंने न्यू सदर्न पॉलिसी इंडिया से साइन करी, ताइवान बहुत सारी चीज़ों पर हमसे MOU साइन कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट बहुत एम्बिशियस है इंडिया के रोल को लेकर, इंडिया से ट्रेड करने के लिए और इंडिया को बहुत सारी चीज़ें लाइक फॉर एग्जांपल इवन न्यूक्लियर रिसोर्सेज एंड न्यूक्लियर रॉ मटेरियल भी शेयर करने को तैयार है, फॉर एग्जांपल यूरेनियम एंड ऑल दैट, ये सब भी हमें एक्सपोर्ट करने के लिए वो रेडी है, तो ये सारी चीज़ों पर जो है ये सारी कंट्रीज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ये रहा इंडिया, ये रहा अरेबियन सी, ये रहा इंडियन ओशन, ये रहा बे ऑफ बंगाल, और ये सारी कंट्रीज लाइक चाइना को ना प्रेफर करके इंडिया को प्रेफर करिए, ये हो गए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और यहाँ हो गया ऑस्ट्रेलिया और ये हो गई हमारी कंट्री जापान, वेयर इज जापान, ये हो गई हमारी कंट्री जापान, ये हो गया नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया, तो व्हेनेवर रीजन न्यूज में था तो मैंने मैप भी आपको दिखा दिया, तो दैट्स लाइक कंप्लीट स्टडी अप्रोच। नेक्स्ट आर्टिकल, यहाँ पर एक थोड़ा सा रिस्पाइट है भाई, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है काफ़ी अब थोड़ा बेटर होने वाला है, क्योंकि प्राइसेस 2.5 रुपीस पर लीटर कम हो गए हैं और वो थोड़ा सा हमारा पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस थोड़ा सा जो है किफ़ायती दाम पे हमें मिलेगा, क्योंकि एकदम से प्राइस हाइक हो गया था, और ये प्राइस हाइक इसलिए भी होता है क्योंकि इंडिया में जो है क्रूड ऑयल जो है वो बाहर की कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं और उसका प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे चलता रहता है, क्योंकि वेस्ट एशिया जो कि बहुत ही लीड प्रोड्यूसर है और वो हमारे प्रॉक्सिमिटी में है और उनसे हम ऑयल का ट्रेड करते हैं, तो उनके कंट्रीज में जो हो रही वॉर्स है जैसे कि सऊदी अरब, येमेन या फिर हमारा ईरान, उस पर फ्रेश सैंक्शंस जो लगा रहे हैं USA फ्रॉम अक्टूबर नवंबर, तो इसकी वजह से पूरे ऑयल ट्रेड में, ऑयल मार्केट में प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, सीरिया में वॉर चल रही है, तो ये
वेस्ट एशिया इज़ ऑलरेडी वेरी डिस्टर्ब ड्यू टू देयर इंटरनल पॉलिटिक्स, तो उसकी वजह से प्राइस जो है ऊपर नीचे होता रहता है. तो अभी 60 पर $70 पर बैलर पे आकर के प्राइस रुक गया था. तो जब हम महंगा चीज़ इम्पोर्ट करेंगे अपनी कंट्री में, प्लस इम्पोर्ट ड्यूटी और ये सारी चीज़ों के बाद जो हमारी कंट्री में आएगा, फिर उस पर स्टेट गवर्नमेंट वैट वगैरह भी लगाती है, तो ये सब लगने के बाद हमारी कंट्री में इसका प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाता है. वैसे ही हम महंगा ला रहे हैं, हमारी कंट्री में आते आते वो और महंगा हो रहा है, और इतना महंगा तेल फिर हम सोने के भाव में खरीद करके अपने कार्स और जो है ना स्कूटर्स में डलवाते हैं, और फिर हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है. जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, जॉब्स बढ़ रही है, मूवमेंट ऑफ पीपल बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है, देश आगे बढ़ रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कुछ ना कुछ तो कटौती होनी चाहिए, थोड़ा इकोनॉमिकली कन्वीनियंट होना चाहिए, क्योंकि ये तो बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी है ना. अब आप यहाँ से उठ करके अपना काम पे ही नहीं जा पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, रिक्शा और साइकिल पे आ जाएंगे, फिर आप टाइमली काम पे नहीं पहुंच पाएंगे, तो पूरा का पूरा इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी. तो दैट्स व्हाट इसके बैकग्राउंड में जो है, हम ई व्हीकल्स पे भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हम जो है ई व्हीकल्स वगैरह प्रोड्यूस कर लें, चार्जिंग स्टेशंस वगैरह बना लें, और उस पर इस टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन पे कुछ बात करें, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी थोड़ी कम हो जाए. यहाँ पर मिक्सचर बोल वाली कुछ मैं इनोवेशन स्टार्ट कर रही हूँ, लेट मी सी हाउ इट रियली गोस. कि यहाँ पर छोटे मोटे आर्टिकल जो कि इतना इन डेप्थ एनालिसिस उनकी ज़रूरत नहीं है, बट देन दे आर लाइक द जीके थिंग विच यू शुड नो एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, बट एज सच एमसीक्यू टाइप्स चीज़ इससे बनना थोड़ा मुश्किल है. जैसे कि यहां पर रशिया और हमारे डिफेंस मिनिस्टर सुषमा स्वराज अभी बहुत सारी डील्स वगैरह साइन करती हुई नजर आ रही है विद द कंट्री रशिया, जबकि हमने यूएसए से अभी डिफेंस टॉक्स करी थी, 2+2 मीट हुई थी इन द इनिशियल डेज ऑफ सितंबर. तो उन्होंने आगाह कर दिया था कि देखो आपको रशिया से रिलेशन मेंटेन करके चलना है, और अगर आप उसको खत्म नहीं करेंगे तो फिर हमसे डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. तो हमने ये चीज दिखा दी कि देखो वी आर सोवरेन कंट्री, यू कैन नॉट टेल अस कि हमें किससे दोस्ती करनी चाहिए, किससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए. तो दैट इज व्हाट द एंटायर थिंग is कि don't tell me यार कि मैं किसकी किटी पार्टी में join करूँ या ना करूँ. तो this is my own sovereign decision, this is my own individual decision, I am an independent country and then we are not at all inclined towards anyone, so that's what it is. यहाँ पर CEO ICICI bank की जो एक बड़ी influential, positive और काफ़ी empowered women थी Miss Kochar, तो उन्होंने जो है चंदा कोचर ने resign कर दिया, quit कर दिया. इन पर बहुत सारे आरोप और charges और इन पर बहुत सारे trials भी चल रहे हैं, personal इंटरेस्ट को एनकरेज करने के लिए और ये सारी चीज़ों की वजह से अपने हस्बैंड के साथ मिलकर के कुछ पैसे का ये सब उल्टा सीधा कुछ काम इन्होंने संदिग्ध है, कुछ प्रूफ नहीं हुआ है चार्ज, बट इन पे कुछ ट्रायल्स लगे हुए. तो दैट्स वेयर एंड शी हैज क्विट ICICI बैंक, तो अभी पे एक नए लीडर का यहाँ पर घोषित करा जाएगा, देर विल बी अ शिफ्ट ऑफ लीडरशिप. यहाँ पर इंडिया को रैंक कर दिया गया 5th इन द पिक्टोरियल टोबैको प्रोडक्ट्स. टोबैको प्रोडक्ट पे होता ना कि दिस माइट किल यू, मतलब इतना ज़्यादा 60% 70%, तो यहाँ पर एक जो है गंदी सी पिक्चर जो है आपके गले की और सिगरेट पी के पूरे फेफड़े आप जला लेंगे, इस टाइप की पिक्चर विच इज़ वेरी डिस्गस्टिंग. सो सी माय गॉड, लेकिन फिर भी हमारे यूथ कम है क्या, हमारे लोग कम है क्या, 1% उनमें कोई जो है कमी नहीं हुई होगी सारे नशेड़ों की और या फिर सिगरेट बाजों की या सुट्टे बाजों की कोई कमी नहीं होगी. इवन इफ ये सारी पिक्टोरल वॉलिंग्स डाल डाल के डिस्गस्ट भी फील करा दो, लत तो लत होती, नशा नशा होता है, तो उसमें तो कोई यू नो कटौती तो नहीं आई है किसी भी टाइप के परसेंटेज में. बट स्टिल 5th हमारी कंट्री को रैंक किया गया कि हम टोबैको प्रोडक्ट्स पे ये सारे पिक्टोरियल वार्निंग्स वगैरह हम पब्लिश करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया है इंटरफेयर करने के लिए, जो कि रोहिंग्या मुसलमान का पूरा इशू है. रोहिंग्याज एक ऐसी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, रखाइन स्टेट में ये यू नो मौजूद थे इन म्यांमार, वहाँ पर वायलेंस की वजह से, गवर्नमेंट के अग्रेशन की वजह से, आर्मी से प्रॉब्लम होने की वजह से उनको फ्ली करके दूसरी कंट्रीज़ में जान बचा करके भागना पड़ा. तो उसकी वजह से उनको रिहैबिलिटेशन नहीं मिल पा रही है इन सारे पड़ोसी देशों में, चाहे वो इंडिया हो, बांग्लादेश में, तो बहुत ज़्यादा जो है तादाद में सारे लोग सेटल हो गए हैं. रिवर नाफ क्रॉस करके ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं, रिवर नाफ क्रॉस करके काफ़ी ट्रेचरस, काफ़ी रोमांचक, काफ़ी ईवल, काफ़ी रफ रिवर है, उसको क्रॉस करके ये लोग आके दूसरी कंट्रीज में सेटल होते हैं, रिफ्यूजी कैंप्स में रहते हैं, बट उनको वहां पर भी पनाह नहीं दी जा रही है, डिपोर्ट करा जा रहा है, क्योंकि उनको क्रिमिनल एक्टिविटीज मोटिवेटेड वाला टैग दिया हुआ है कि इनमें टेररिस्ट भी है, इनमें ISIS इन्फ्लुएंस्ड पीपल भी है, तो ये हमारी कंट्री के सिक्योरिटी थ्रेट हो सकते हैं. तो इन सारी चीज़ों की वजह से म्यांमार पे सब फोर्स कर रहे हैं कि आप जो है रोहिंग्या पे कुछ ना कुछ जो है मिडिल पाथ लेकर के आइए. सऊदी अरब इन्वेस्ट करने वाला इन द पोर्ट ग्वदर, ग्वदर पोर्ट जो है पाकिस्तान के कोस्ट पे, जैसे कि ये पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के यहाँ पर ये एक पोर्ट बना रहा है चाइना, जो कि जो है एक पोर्ट है, इस पे जो है सऊदी अरब भी इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है. तो या
क्या कहूँ मैं इस पर. तो यहाँ पर यूपीआई यूनियन सॉरी यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस है यूपीआई. तो यहाँ पर जो है ग्राफ ये बता रहा है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट तो हुआ है कि लोग अब यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी यूज़ कर तो रहे हैं एंड ईजी मनी पर जा रहे हैं ताकि कंट्री में जो है लूज कैश सर्कुलेट ना हो, लोग ईजी तरीके से कैश जो है ट्रांसफ़र करें, कैश में जो है पेमेंट मनी का पेमेंट करें और कैशलेस इकोनॉमी हो, डिजिटलाइज इकोनॉमी हो ताकि लूज कैश जिससे करप्शन जैसी चीज़ें, फेक करेंसी जैसी चीज़ें जो है इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, तो ऐसे चीज़ों को कम करने के लिए हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैकेनिज्म इतना ईजी कर रहे हैं उनको समझने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारी कंट्री में लिटरेसी रेट्स इतने पुअर है, उनको आइडिया नहीं है ये सारी चीज़ें कैसे होती है. तो थोड़ा मैकेनिज्म अच्छा करने के लिए, ईजी करने के लिए यूपीआई जैसी चीज़ों का ईजाद किया गया था, उसको बनाया गया था ताकि जो है हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कर पाए, अच्छे मेथड से हम यू नो मनी ट्रांसफर कर पाए, इजी पूरा मैकेनिज्म कर दे, क्योंकि बैंकिंग सर्विसेज ये सारी थोड़ी सी उनके लिए ट्रिकी हो जाती है. तो विदाउट पुटिंग डिटेल्स ऑफ कार्ड, कार्ड डिटेल्स एंड नेट बैंकिंग, आईएफएससी कोड और वॉलेट पासवर्ड, इन सारे चीज़ों के परे यूपीआई से इजीली पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं. तो यूपीआई को डेवलप करा था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. तो थोड़ा सा आप इसको रीड करिएगा. यहाँ पर हम क्योंकि मैनुअल स्कैवेंजिंग के ऊपर काफ़ी दिनों से बात कर रहे थे कि अब सेक्शन 377 पे आपने वर्डिक्ट दे दिया और ये सारी चीज़ों पे आपने ट्रांसजेंडर को राइट्स दे दिया, अब इनके राइट्स और इनके रेगुलेशन पे आपको बात करनी चाहिए जो कि मैनुअली गटर और सेप्टिक टैंक्स वगैरह साफ करते हैं, और प्लस इसमें कास्टिज्म का भी पूरा रोल है क्योंकि लोअर कास्ट के लोग इस पर हायर करे जाते हैं और उनको पैसे का झांसा दे करके उनको ये सब काम कराया जाता है, वो भी पैसे के लालच में कर रहे हैं बेचारे और अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, फैक्ट्स है जो कि आप थोड़ा सा पॉज करके सिर्फ उसको रीड करिएगा. तो यहाँ पर रोहिंग्याज के ऊपर एक मुझे एक डिपिक्शन मिला था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें कुछ लाइंस है, ये थोड़ा सा मैग्नीफाइड नहीं है पिक्चर. जब आप पीडीएफ डाउनलोड करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे जाइएगा या फिर एफबी पेज पे जाइएगा, मैं पीडीएफ लोड करती हूँ तो उसको डाउनलोड करके आप उसको मैक्सिमाइज करके इसको भी थोड़ा सा आप रीड करिए कि कहाँ से इनकी हिस्टोरिकल रूट्स आ रहे हैं रोहिंग्या के. बैकग्राउंड एनालिसिस क्वेश्चन में मेंबर्स ऑफ क्वाड ग्रुपिंग जो एशिया में अभी प्रपोज की गई थी उसमें कौन से चार देश थे ये आप मुझे बताइएगा. वेरियस इशूज विच रिवॉल्व अराउंड एमएसपी, इसको कैलकुलेट कैसे करा जाता है और उसमें फार्मर्स क्यों निराश है कि आप ऐसे नहीं ऐसे कैलकुलेट करिए, तो तीन तरीके हैं तो वो आप मुझे ब्रीफली बताइएगा. एंड विच एक्ट्स एम्पावर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फिक्स एमएसपी, उस एक्ट का आप मुझे नाम बताइएगा विद द ईयर. हु डिक्लेयर्स एमएसपी, ऑल्सो स्पेसिफिकेशन ऑफ रफेल. रफेल जो एयरक्राफ्ट है डिफेंस में हमारे, हमने इम्पोर्ट करा था फ्रॉम द कंट्री फ्रांस, उसका आप मुझे कुछ स्पेसिफिकेशन, कुछ क्वालिटीज़ आप मुझे बताइएगा एक दो लाइन में, ज़्यादा हैवी नहीं. इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स और बायोस्फेयर रिजर्व्स ऑफ गुजरात आप मुझे बताइएगा. वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर यू, इनकम्बेंट मतलब होल्डिंग ऑफिस ऑफ एन ऑफेंस ऑफ द पीरियड ड्यूरिंग विच वन इज हेल्ड, मतलब पदग्रही. नेसेंट मतलब कि नवजात. एफेबिलिटी और मतलब क्वालिटी ऑफ बींग एफेबल, मतलब फ्रेंडली, गुड नेचर्ड, ईजी टू टॉक. एपिस्टेमिकली रिलेटिंग टू नॉलेज और द डिग्री ऑफ वैलिडेशन. ओलिगोपॉली अ स्टेट ऑफ लिमिटेड कंपटिशन, मतलब अल्पाधिकार होना. इसेंट्रिक ऑफ अ पर्सन और देयर बिहेवियर, मतलब अनकन्वेंशनल, स्लाइटली स्ट्रेंज, मतलब थोड़ा सा झक्की होना. होता नहीं कि ये इंसान थोड़ा झक्की था, मतलब बड़ा काफ़ी सेंट्रिक इंसान था. तो मैप प्रैक्टिस जो है आपके लिए कॉन्टिनेंट अफ्रीका है, कंट्री नाइजेरिया है, ये सारे कुछ फिजिकल डिविजन्स है जो कि आप थोड़ा सा उसको मैप में जाके लोकेट करिएगा, जैसे कि कांजी रिजर्व, रिजर्वॉयर, नाइगर रिवर, स्लेव कोस्ट, नाइगर डेल्टा, बाइट ऑफ बेनिन करके एक वाटर में ये एक वाटर चैनल है या फिर वाटर में एक डिविजन मार्क्ड है, तो जाकर के इसको देखिएगा. गल्फ ऑफ गिनी एंड इसकी कैपिटल ये है. अरेंज द कंट्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो सबसे ईस्टर्न कंट्री है अफ्रीका की, फिर चलते चलते वेस्टर्न की तरफ आप मुझे इसको अरेंज करके बताइएगा. ये है इसका फ्लैग, ये है इसकी करेंसी, नाइजेरियन नायरा करके इसकी करेंसी है. तो ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए. टुवर्ड्स द एंड आई वाज से स्टे ट्यून टू पेंसिल बॉक्स एजुकेशन फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स एंड डू चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन. पीडीएफ लिंक्स तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, उसको डाउनलोड करके उसको आप जो है प्रिंट करिएगा, उसको अपने खुद एक जो है मंथली मैगजीन टाइप के बनाएगा. डू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप इफ यू रियली लाइक आवर कंटेंट. थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर. डू योर बैकग्राउंड एनालिसिस क्वेश्चंस डेली. बी हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, स्प्रेड लव, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. साइनिंग ऑफ फ्रॉम पेंसिल बॉक्स एजुकेशन. जय हिंद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.